हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन स्टार। गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाला हूं फायरबोल्ट निंजा स्मार्ट वॉच वर्सेस फायरबोल्ट निंजा 2 स्मार्ट वॉच के बारे में। इन दोनों स्मार्ट वॉच की फुल कंपैरिजन करने वाला हूं इस वीडियो में, क्योंकि इन दोनों वॉच की प्राइस जो है आपको डिफरेंट देखने मिलेगी, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या हो सकता है, इन सब चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ में ये भी बात करेंगे कि आपके लिए कौन सी वॉच बेस्ट रहेगी किस प्राइस पे, तो इन सब चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही रोजाना वीडियो लेके आते रहता हूं। तो आइए जल्दी से इन सब चीजों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं आपके लिए कौन सी स्मार्ट वॉच बेस्ट रहेगी। गाइस, सबसे पहले बात करें इन दोनों स्मार्ट वॉच के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो दोनों ही वॉच आपको सेम देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ में दोनों की बॉडी जो है आपको मेटल की मिलने वाली है, तो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में ये दोनों स्मार्ट वॉच आपको एकदम सेम मिलने वाली, कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। गाइस, बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्ट वॉच के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फायरबोल्ट निंजा स्मार्ट वॉच के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इसमें आपको 1.3 इंच की फुल टच एचडी डिस्प्ले मिल रही है। साथ ही साथ में यहां पे आपको उस डिस्प्ले को कस्टमाइज करने के क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस का सपोर्ट मिल रहा है। जी हां दोस्तों, यहां पे आपको क्लाउड वॉच फेसेस का सपोर्ट मिल रहा है, और साथ ही साथ में 2.5D कर्व का यहां पे आपको सपोर्ट मिल रहा है। अब गाइस, वहीं पे बात कर लेते हैं फायरबोल्ट निंजा 2 स्मार्ट वॉच के डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें भी आपको 1.3 इंच की फुल टच एचडी डिस्प्ले मिल रही है। साथ में उस डिस्प्ले को कस्टमाइज करने के लिए यहां पे आपको मल्टीपल वॉच फेसेस का सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही साथ में पिक्सल रेजोल्यूशन की बात करें तो इसमें आपको 240x240 का पिक्सल रेजोल्यूशन मिल रहा है, और इसमें भी आपको 2.5D कर्व का सपोर्ट मिल रहा है। सो गाइस, यहां पे डिस्प्ले से रिलेटेड आपको कोई भी डिफरेंस इन दोनों स्मार्ट वॉच में नहीं मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्ट वॉच के हेल्थ ट्रैकर्स के बारे में। तो फायरबोल्ट निंजा स्मार्ट वॉच में आपको SpO2 का सपोर्ट मिल रहा है, रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटरिंग का सपोर्ट मिल रहा है, और उसी के साथ साथ स्लीप मॉनिटरिंग का सपोर्ट मिल रहा है। जबकि वहीं पे बात करें फायरबोल्ट निंजा 2 स्मार्ट वॉच के हेल्थ ट्रैकर्स के बारे में, तो इसमें भी आपको SpO2 का सपोर्ट मिल रहा है, रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटरिंग का सपोर्ट मिल रहा है, और उसी के साथ साथ स्लीप मॉनिटरिंग का सपोर्ट मिल रहा है, और मेंसुरेशन रिमाइंडर और उसी के साथ साथ सेडिमेंटरी रिमाइंडर का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो यहां पे आपको दो ऑप्शन बढ़ गए हैं, सेडिमेंटेशन और यहां पे मेंसुरेशन का दो ऑप्शन जो है यहां पे बढ़ चुका है, और यहां पे कोई भी डिफरेंस हेल्थ ट्रैकर से नहीं है। अब गाइस, बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्ट वॉच के स्पोर्ट्स मोड के बारे में। तो फायरबोल्ट निंजा स्मार्ट वॉच में आपको टोटल जो है 7 स्पोर्ट्स मोड मिल रहे हैं, जबकि फायरबोल्ट निंजा 2 स्मार्ट वॉच में आपको 30 स्पोर्ट्स मोड मिल रहे हैं। तो स्पोर्ट्स मोड में आप काफी डिफरेंस देखने मिलेगा, एक में है आपको 7 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ में दूसरे में आपको 30 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल रहा है। तो बहुत मतलब कि काफी ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस है, आपको काफी अच्छे खासे स्पोर्ट्स मोड आपको फायरबोल्ट निंजा 2 में देखने को मिल जाएंगे। अब गाइस, बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्ट वॉच के वाटर रेजिस्टेंस के बारे में। तो फायरबोल्ट निंजा स्मार्ट वॉच में आपको IP67 रेटेड वाटर रेजिस्टेंस मिलने वाला है, और उसी के साथ साथ फायरबोल्ट निंजा 2 स्मार्ट वॉच में आपको IP68 रेटेड वाटर रेजिस्टेंस मिलने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है वाटर रेजिस्टेंस को लेकर। इन दोनों स्मार्ट वॉच के बैटरी बैकअप के बारे में, तो फायरबोल्ट निंजा स्मार्ट वॉच में आपको नॉर्मल यूज पे 5 डेज का बैकअप मिल रहा है, साथ ही साथ में स्टैंड बाई बैकअप जो है आपको 15 दिन का मिल रहा है, जबकि फायरबोल्ट निंजा 2 स्मार्ट वॉच में आपको स्टैंड बाई बैकअप जो है 25 दिन का मिल रहा है, और अगर आप नॉर्मल यूज करते हो तो यहाँ पे आपको 7 डेज का बैकअप जो है मिल रहा है। तो बैटरी बैकअप से भी यहाँ पे आपको बहुत डिफरेंस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फायरबोल्ट निंजा स्मार्ट वॉच में 5 to 15 डेज का बैकअप मिल रहा है, जबकि यहाँ पे फायरबोल्ट निंजा 2 स्मार्ट वॉच में आपको 7 to 25 डेज का बैकअप मिल रहा है। सो गाइस, अब बात करें इन दोनों स्मार्ट वॉच के कॉमन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इन दोनों स्मार्ट वॉच में आपको स्मार्ट नोटिफिकेशन का सपोर्ट मिल रहा है, यानी आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन अपनी वॉच पे ही देख सकते हो। साथ ही साथ में कॉल वाइब्रेशन का भी सपोर्ट मिल रहा है, यानी आपका कॉल अगर आ रहा है तो वॉच जो है वाइब्रेट करने लगेगी, और उसी के साथ साथ म्यूजिक भी कंट्रोल कर सकते हो और कैमरा भी कंट्रोल कर सकते हो। ये सब कॉमन स्पेसिफिकेशन है, ये दोनों ही वॉच में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अब कंक्लूजन निकल कर आता है कि आपके लिए कौन से स्मार्ट वॉच बेस्ट रहेगी। उसी के बेस पे प्राइस की बात कर लेते हैं, तो फायरबोल्ट निंजा स्मार्ट वॉच आपको 1599 मिल रही है, जबकि फायरबोल्ट निंजा 2 स्मार्ट वॉच की भी प्राइस कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन ये अराउंड आपको 2000 में मिल जाएगी। तो अब बात करें कि आपके लिए कौन से स्मार्ट वॉच बेस्ट रहेगी। तो अगर आप थोड़ा सा अच्छा स्पेसिफिकेशन चाहते हो, थोड़ा सा मतलब कि कॉस्टली वॉच पड़ेगी 500 रुपए, तो यहाँ पे फायरबोल्ट निंजा 2 स्मार्ट वॉच आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आप थोड़ा सा 500 रुपए सस्ता चाहते हो, तो फायरबोल्ट निंजा स्मार्ट वॉच भी मतलब कि उतनी खराब नहीं है, फिर भी अच्छी है। तो आप अगर बजट में है तो आप 1500 में ये भी ले सकते हो। दोनों स्मार्ट वॉच में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, बस थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन कम है, बाकी डिस्प्ले और डिजाइन एकदम सेम है। गाइस, मैं यही प्रीफर करूंगा कि फायरबोल्ट निंजा स्मार्ट वॉच ही आप ले सकते हो 1500 में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मतलब कि ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। और अगर आप अच्छा थोड़ा सा पैसा मतलब कि लगाना चाहते हो, तो आप फायरबोल्ट निंजा 2 को भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्मार्ट वॉच आपके लिए बेस्ट रहेगी। ये दोनों स्मार्ट वॉच आपको बेस्ट अंडर 2000 रुपए में मिल जाएंगी। अब देखते हैं कि फायरबोल्ट 2 स्मार्ट वॉच की प्राइस कितनी होती है। अगर 2000 से ज्यादा होती है तो आप इसको परचेस नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों स्मार्ट वॉच की
स्पेसिफिकेशन तो यहाँ सेम ही मिल रही है। तो उम्मीद है आपको कंफ्यूजन समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। तो बस यही थी पूरी वीडियो इन दोनों स्मार्ट वॉच के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे रोजाना वीडियो लेके आती रहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी ने अनबॉक्सिंग एक टिप्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।